जयपुर हेरिटेज निगम महापौर मुनेश गुर्जर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आपको बता दें कि रिश्वत मामले में निलंबन होने के बाद हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब मुनेश गुर्जर के घर पर खुशी मनाई जा रही है। ऐसे में संवाददाता सतवीर सिंह राठौर ने मुनेश गुर्जर से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। गुर्जर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद जो उनके घर पर जश्न का जो माहौल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला को कहूंगा कि यहाँ की घर की जो तस्वीरें हैं वो दिखा दें। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खुशी भी यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरीके से जो निलंबन था और उसके बाद में हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए मुनेश गुर्जर को यहाँ पर राहत दी है, उसके बाद उनके घर पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ में मुनेश गुर्जर जी हैं, सबसे पहले तो बधाई हो आपको। लगातार जिस तरीके से ये जो निलंबन हुआ था, इसके बारे में अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक बड़ी राहत हाईकोर्ट ने आपको दी है। देखिए, सत्य की जीत है और न्याय पे मेरा पूर्ण विश्वास है। आज न्याय की जीत हुई है, पार्टी पे मेरा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है। मैं पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता हूँ, सरकार पे मेरी आस्था है, मुझे पूर्ण विश्वास था और सुदर्शन चक्र वाले पे उससे भी ज्यादा विश्वास था। और आज मुझे किसी से कोई किसी भी प्रकार का कोई नहीं, मुझे न्याय पे पूर्ण भरोसा था और ये न्याय की सत्य की जीत है। मैं कांग्रेस पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, आगे भी कांग्रेस के लिए हमेशा मेरे लिए सर्वोपरि मेरी कांग्रेस पार्टी है, मेरी सरकार है। आपने पहले ही जब हमसे बात की थी उस समय भी कहा था, जब निलंबन हुआ था, कि बोले मुझे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं सही हूँ, और उसी का नतीजा है कि आज एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिली है और आज इसे चंद्रयान भी हुआ है लैंडिंग, और उसके बाद में आपकी भी यहाँ पर पूरी तरीके से रात दिन वाली खबर आई। मैंने बिल्कुल, आपने कहा, मैंने पहले दिन भी यही कहा था कि मैं सच के साथ खड़ी हूँ, न्याय पे मेरा पूर्ण विश्वास है, न्यायपालिका पे मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरी सरकार पे पूर्ण विश्वास है, मेरी पार्टी पे मेरा पूर्ण विश्वास था और उस पूर्ण विश्वास की जीत हुई है, न्यायपालिका की सच्चाई की जीत। आज यहाँ पर आए इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में लोग आपने देखे थे कि आपका इंतजार कर रहे हैं। ये इन सब लोगों का प्यार है, जयपुर ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे मजबूती दी है। मेरे विपरीत समय में मेरे पार्षद, मेरी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, सब मेरे साथ मजबूती से खड़े थे। मैं आज उन सब, मेरे सब पार्षदों का, मेरे कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि विपरीत परिस्थिति में वो मेरे साथ खड़े थे और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। अब आगे जिस तरीके से जो काम हमेशा करते हैं उसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, विकास के लिए जयपुर की सेवा करेंगे। देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से माहौल खुशनुमा हो चुका है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आका जो जमावड़ा है वो आप देख सकते हैं कि मिठाई खिलाई जा रही है और जिस तरीके से मुनेश गुर्जर का जो इंतजार है वो यहाँ पर किया जा रहा था कि कब वो यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद में जैसे वो यहाँ पर घर पहुंचे हैं तो ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो कई घंटों से उनका इंतजार यहाँ पर कर रहे थे, उनको जैसे ही यहाँ पर पहुंचे उसके बाद में खुशी यहाँ पर देखने को मिली। एक दूसरे को जो मिठाई है वो यहाँ पर खिलाई गई है और इसके साथ ही जो मुनेश गुर्जर है उनका फूलमाला के साथ स्वागत किया गया है। कई जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पर आए थे, उप महापौर भी खुद यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी यही कहा था कि सच की हमेशा जीत होती है, और उसी का जो नतीजा है कि आज ये जो समय है वापिस आ चुका है। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो स्वागत है, वो सत्कार है, मुनेश गुर्जर का कर रही है, फूल माला के साथ में उनका जो अभिनंदन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से मुनेश गुर्जर ने ये साफ तौर पर कहा था कि उन्हें पता था कि सच की हमेशा जीत होती है, और उसी तरीके का जो सच है वो सामने आया और उसके बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। फिलहाल घर पे जश्न का जो माहौल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इनके जो परिजन है वो भी काफी खुश है। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ सतवीर सिंह राठौर, सच बेदड़क, जयपुर।